अटल जी को इस बात की बहुत खुशी थी कि उनका जन्म 25 दिसंबर को हुआ। वे कहते थे 25 दिसंबर, पता नहीं कि उस दिन मेरा जन्म क्यों हुआ। बाद में बड़ा होने पर मुझे पता चला कि 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्मदिन होता है, इसलिए बड़े दिन के रूप में इसे मनाया जाता है। मुझे ये भी पता चला कि जब मैं पैदा हुआ था तब पड़ोस के गिरजाघर में ईसा मसीह के जन्मदिन का त्योहार मनाया जा रहा था। कैरोल गाए जा रहे थे, बच्चों में मिठाई बांटी जा रही थी। और बाद में मुझे ये भी पता चला कि बड़े दिन पर महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का भी जन्मदिन होता है। मुझे जीवन भर इस बात का अभिमान रहा कि मेरा जन्म ऐसे महापुरुषों के जन्म के दिन हुआ है। अटल जी मूलतः आगरा के बटेश्वर गांव से थे, लेकिन उनके दादा पंडित श्यामलाल वाजपेयी आगरा से मध्य प्रदेश में जाकर बस गए, जहां अटल जी के पिता पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश के ग्वालियर रियासत के अध्यापक थे। वही शिंदे की छावनी में 25 दिसंबर 1924 को ब्रह्म मुहूर्त में उनकी माता कृष्णा वाजपेयी की कोख से अटल जी का जन्म हुआ था। अटल जी अपने माता पिता की सातवीं संतान थे, उनसे बड़े 3 भाई और 3 बहनें थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिक्षा मंदिर गोरखी बाड़ा विद्यालय में हुई। इसके बाद उन्होंने विक्टोरिया कॉलेज से स्नातक स्तर की शिक्षा ग्रहण की, जिसका नाम बाद में बदलकर लक्ष्मीबाई कॉलेज हो गया। इस कॉलेज में उनकी यादों को आज भी सहेज कर रखा गया है। अटल बिहारी वाजपेयी को वैसे तो सभी मिठाइयां बेहद पसंद थी, लेकिन ग्वालियर के बहादुरा के लड्डू उनके खास पसंद के थे। कहा जाता है जब अटल जी ग्वालियर में रहते थे तो उस समय अक्सर बहादुरा की दुकान पर जाकर वहां लड्डू खाते थे, लेकिन उसके बाद जब वो दिल्ली चले गए तो उसके बाद भी उनसे कोई मिलने आता था तो उससे बहादुरा के लड्डू मंगवाना नहीं भूलते थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद अटल जी ने अपने घर को लाइब्रेरी के रूप में दान कर दिया, जिसमें आगे चलकर बच्चों को कंप्यूटर की शुरुआती शिक्षा भी दी जाने लगी। ये अटल जी के प्रति ग्वालियर के लोगों का अपनापन ही था कि उनके चाहने वालों ने ग्वालियर में अटल जी के मंदिर की स्थापना की। अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।